गुड इवनिंग एवरीवन। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको कुछ बेनिफिट्स बताए ईटीएफ के बारे में, आज उसी टॉपिक को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा और कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। सबसे पहले ईटीएफ को जो अगर ट्रेडिंग करना है तो बहुत आसानी से आप कर पाओगे शेयर्स की तरह। साथ ही में ईटीएफ का जो कमीशन है वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड्स, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है वो कंपेरेटिवली म्यूचुअल फंड में बहुत कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड बहुत कम है। साथ ही में म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो एंड ऑफ द डे कर सकते हैं, लेकिन ईटीएफ आप पूरा दिन कर सकते हो नॉर्मल शेयर्स की तरह। ईटीएफ में आपका टैक्स एफिशिएंसी पॉइंट सबसे बड़ा आ जाता है इसमें। साथ ही में ईटीएफ में आपको लिवरेज मिलता है, यानी कि आप मार्जिन ब्रोकर्स आपको मार्जिन प्रोवाइड करेंगे ईटीएफ में ट्रेड करना है आपको। अगर आपको शॉर्ट सेल भी करना है तो आप मार्जिन के बेसिस पे कर सकते हैं, लेकिन एक म्यूचुअल फंड में आपको लिवरेज नहीं मिलता है। आपको जितना इन्वेस्टमेंट करना है उतना पहले कैपिटल आपके अकाउंट में होना चाहिए, जबकि ईटीएफ में आप नॉर्मल शेयर्स का मार्जिन जैसे यूज़ कर सकते हैं वैसे ही आप ईटीएफ में भी मार्जिन को यूज़ कर सकते हैं। तो ईटीएफ के ये सारे एडवांटेजेस है, बेनिफिट्स है। अगर आप नॉर्मल शेयर्स में आपको ट्रेड नहीं करना है, ईटीएफ में एक पर्टिकुलर सेगमेंट में या फिर एक पर्टिकुलर सेगमेंट में आपको इन्वेस्ट करना है, एक पर्टिकुलर सेक्टर में आपको इन्वेस्ट करना है। आने वाले वीडियोस में और कुछ आपको बेनिफिट्स एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ईटीएफ में आपको बताऊंगा। थैंक यू।